बैलगाड़ी और बैल बुद्धि। भाई दूज के पवित्र अवसर पर महारानी साहिबा के लाडले भाई शमशेर सिंह सिंघम अपनी बहन से मिलने आए थे। आरती उतारने के बाद महारानी जी बोली, मेरे लाडले भाई को किसी की नजर न लगे, बताओ तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? अब क्या बताओ दीदी, पिताजी को तो मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं। जब मैंने उनसे हमारे राज्य की गद्दी मांगी तो उन्होंने कहा, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। बस दीदी, मैं किसी भी हाल में पिताजी को अपनी काबिलियत साबित करना चाहता हूँ और उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बस इतनी सी बात, मैं आज ही बादशाह जी से कहकर तुम्हें यहाँ सलाहकार की नौकरी लगा देती हूँ। उनसे सबको पता चल जाएगा कि मेरा लाडला भाई कितना काबिल है। धन्य हो ऐसी दीदी सबको मिले। फिर क्या, अगले ही पल महारानी साहिबा बादशाह अकबर के पास पहुंच गई, जो अपने कमरे में बैठ किताब पढ़ रहे थे। सुनिए जी, मेरा लाडला भाई आया है। हम जानते हैं, इसलिए तो आज हम अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। क्या मतलब है आपका? वो सब जाने दो, ये बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? याद है कई साल पहले हमने आपको समुंदर में एक दानव से बचाया था। हाँ याद है, उस दिन हम आपके कायल हो गए थे। जी, और उसके बाद आपने हमें वादा किया था कि मैं जो मांगूंगी वो आप दोगे। हाँ, पर आज तक आपने हमसे उस वादे को पूरा करने का मौका कहा दिया। सही कहा, तो आज वो मौका आ गया है, आज आपको आपका वादा निभाना पड़ेगा। हम बादशाह अकबर है, एक बार जो हमने वादा कर दिया फिर तो हम अपने आप की भी नहीं सुनते। कहो क्या चाहिए तुम्हें, हीरे मोती या फिर ये पूरी सल्तनत? अपने लिए नहीं, बस अपने लाडले भाई के लिए एक नौकरी चाहिए। बस इतनी सी बात, कल ही हम उसे अपने दोस्त के यहाँ मंत्री की नौकरी पर लगा देंगे, जहाँ अच्छी तनख्वाह भी होगी, साल में 15 छुट्टी भी और दिन भर चाय भी मिलेगी। अरे वाह, आपके होते मेरा लाडला भाई किसी और के यहाँ नौकरी क्यों करे भला? मैं कुछ नहीं जानती, आप उसे यही नौकरी दीजिए, आपके अपने सलाहकार की नौकरी। क्या, पर वो पद तो बीरबल का है और तुम तो जानती हो वो कितना काबिल है। और आपके वादे का क्या, लोग कहेंगे बादशाह अपने जुबान से पलट गए, इतिहास आपको पलटू के नाम से जानेगा। बादशाह अकबर तो बेहद दुविधा में पड़ गए, उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था वे अपनी पत्नी को कैसे समझाए। उन्होंने इस पर गौर किया और बोले, ठीक है पर हमारी एक शर्त है, तुम्हारा भाई लाडला भाई। हाँ वही, तुम्हारे लाडले भाई को सलाहकार की पदवी देने से पहले हमें उसकी एक परीक्षा लेनी होगी, अगर वो इसमें सफल हुआ तो हम बीरबल को नौकरी से निकाल कर उसे रख लेंगे, ये हमारा वादा है। फिर क्या, अगले दिन बादशाह अपनी गद्दी पर विराजमान हुए और उन्होंने शमशेर सिंह सिंघम को आवाज लगाई, जिसे सुन दोनों भाई बहन तुरंत वहां आ गए। बादशाह को समझ नहीं आ रहा था कि वे शमशेर की क्या परीक्षा ले। कुछ पल के लिए उन्हें लगा आज तो बीरबल की नौकरी गई, और तभी अचानक उन्हें बाहर से कुछ घंटियों की आवाज सुनाई दी, जिसे सुन उनके दिमाग की भी घंटी बज गई और वो बोले, शमशेर सिंह क्या तुम देख कर आ सकते हो कि ये किसकी घंटी की आवाज है? बस इतने से बात, मैं यूं गया और यूं आया। शमशेर वहां से दौड़ कर गया और कुछ ही क्षण में लौटा। महाराज वो दरअसल बाहर बैलगाड़ियां जा रही हैं, वो उसी के घंटियों की आवाज है, तो मैं नौकरी पक्की समझूं? इतनी जल्दी भी क्या है, तुमने ये बताया ही नहीं कि वहाँ कितनी बैलगाड़ियां है। ओ हाँ, अभी पता लगा कर आता हूँ। शमशेर फिर दौड़ते हुए बाहर गया और बैलगाड़ियां गिनने लगा, 10, 11। हाँ, कुछ देर बाद वो लंगड़ाते हुए आया और बोला, महाराज कुल मिलाकर 105 बैलगाड़ियां हैं। अच्छा बहुत खूब,
और वे क्या लेकर जा रही है? ये प्रश्न सुनकर लाडले भाई का सब्र जवाब देने लगा, पर अपने आप को बिरबल से बेहतर साबित करने के चक्कर में वो फिर दौड़ा और कुछ देर में हाँफते हुए लौटा। चावल लेकर जा रहे हैं। अच्छा, और कहाँ जा रहे हैं चावल लेके, जरा पता करो तो। बस इस बार तो शमशेर गुस्से से आग बबूला हो गया और फिर अचानक फूट फूट कर रोने लगा। दीदी, जीजा जी जानबूझकर मेरी फिरकी ले रहे हैं ना। अरे मेरे लाडले भाई, यू रोते नहीं क्यों जी? लगता है आपको इससे नौकरी पर रखना ही नहीं, इसलिए ऐसे ऊट पटांग प्रश्न पूछकर आप हमें सता रहे हैं। भला आप साबित क्या करना चाहते हैं? और उसी वक्त वहाँ बीरबल आ गए, जिसे देख अकबर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोले, हम क्या साबित करना चाहते हैं वो अब पता चल जाएगा। बीरबल जाओ, जरा देख के आओ कि बाहर कितनी बैलगाड़ियाँ हैं। जी हुजूर। ये कहकर बीरबल वहाँ से चले गए, पर काफी वक्त होने के बाद भी नहीं लौटे। ये देख बेगम साहिबा ने खट्टे मन से कहा, और करो बीरबल की तरफदारी, देखा इतना समय बीत गया और वो अभी तक लौटा नहीं, इतने देर में तो मेरा भाई 10 बार जाके आ जाता। हैं? तो मेरी नौकरी पक्की? और तभी बीरबल वहाँ पहुँचे और कहा, महाराज वहाँ कुल 105 बैलगाड़ियाँ पूरब की ओर चावल की ढेर सारी बोरियाँ लेकर जा रही थी। मैंने चालक से उसका दाम पूछा तो वे बहुत सस्ती कीमत पर उसे बेच रहे थे, इसलिए मैंने दरबार के लिए 100 गोनी चावल खरीद लिए और उन बैलों के लिए चारा और चालक के लिए भोजन का इंतजाम कर वापस भेज दिया। उसी चक्कर में आने में जरा देर हो गई। आखिरकार ये हमारे राज्य की भलाई का एक सुनहरा मौका था। ये सुन महारानी और उनके लाडले भाई चौंक गए और उनका सिर नीचे झुक गया। बादशाह बीरबल पर नाज करते हुए बोले, वाह बीरबल, जिस काम को करने में औरों को 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसे तुमने एक ही बार में कर दिया। आज तुमने साबित कर दिया कि इस राज्य के लिए तुम सर्वश्रेष्ठ सलाहकार क्यों हो, और कोई भी पदवी रिश्ते नाते देखकर नहीं, काबिलियत देखकर दी जानी चाहिए। ये सुन महारानी गुस्से में शमशेर से बोली, पिताजी सही कहते हैं, तुमसे ना हो पाएगा, अब चलो। और फिर वो उसे कान पकड़कर वहाँ से लेकर गई और बादशाह ने राहत की सांस ली। तो आज हमने ये सीखा कि हमें लोगों के हुनर को देख उन्हें मौका देना चाहिए, ना कि अपनी पसंद और नापसंद।